ग्वालियर में भाजपा के मेयर पद को लेकर बैठकों का दौर लगातार जारी है, लेकिन पार्टी की तरफ से किसी का भी नाम पर मुहर नहीं लग पाई है। वहीं संभागीय चयन समिति की बैठक में चले कई घंटों के मंथन के बाद भी कोई समाधान नहीं निकल पाया है। आपको बता दें कि भाजपा की संभागीय चयन समिति के संयोजक सांसद विवेक सहजलवरकर की मौजूदगी में जो बैठक आयोजित की गई, उसमें केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट, ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया, पूर्व मंत्री जयवान सिंह पवैया, भाजपा अनुसूचित जाति जनजाति के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य सहित ग्वालियर चंबल अंचल के विधायक भी इस बैठक में शामिल हुए थे। स्वर व्यक्त किए, भावना में उनकी भावना में भावना मिलाता हूँ और मैं कहता हूँ कि बहुत अच्छी बैठक हुई, सबके समन्वय और सामंजस्य हुई और इसी प्रकार से ग्वालियर शहर की बैठक अब शुरू कर रहे हैं कोर कमेटी की। चुनाव में जीत का आधार होता है किसी भी राजनीतिक दल के लिए। भारतीय जनता पार्टी भी जो व्यवस्था है उसी में निर्णय करके आगे बढ़ना चाहती है और सभी निर्णय आएंगे उसमें समझ में आएगी। लेकिन अब आप कहोगे विजयपुर की विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने एक आदिवासी को टिकट दिया, दिखाया कि सामाजिक समरसता भारतीय जनता पार्टी में कितनी रहती है। इमरती देवी अभी कह रही थी कि सामान्य की सीट पर सामान्य को देना चाहिए, हमारा मत है। अब मुझे पता नहीं, आपसे कहो।